हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं नवप्रभा। जैसे कि इस फ्राइडे शिकारा रिलीज होने को रेडी है, कैसी है ये फिल्म चलिए जानते हैं। इसलिए यहां पर कहानी की शुरुआत होती है शिव और शांति से। जो शिव होता है वो टीचर होता है और यहाँ पर शांति नर्स का कोर्स कर रही होती है। दोनों मिलते हैं, दोनों को प्यार हो जाता है और यहाँ कश्मीरी रीति रिवाजों के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ पर अड़चने कब आती हैं? पर अड़चने तब आती हैं जब 1990 की बात है, जब रातों रात कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया था। लेकिन इन दोनों की एक ही बात थी कि नहीं, हमें यहीं पर मरना है, हमने यहीं पर ज़िंदगी काटनी है और जब हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो हमें यहीं मरना है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तहलका मचता है जिससे कि रातों रात इन्हें जाना होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर। भाई चले जाते हैं ये दोनों। अब इन दोनों ने एक चीज़ डिसाइड किया होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते रहते हैं जब तक कि उनकी सुनवाई नहीं होती। अब यहाँ पर वो लेटर लिखता रहता है, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या उनकी ये बात को सुनते हैं और इनकी लव स्टोरी का एंड क्या होता है जब वो वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शांति है और शिव है वापस से कश्मीर जाना चाहते, क्या वो कश्मीर वापस जा पाते हैं, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी आवाज़ को सुनते हैं। अब इसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो ये सवालों का जवाब मैं नहीं, आपको वो फिल्म देखकर मिलेगा। वेल, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने। फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जब कश्मीर का वो सीन दिखाया जाता है, कश्मीर का पूरा बैकग्राउंड जो है, जैसा कश्मीर है प्रॉपर, उस तरह से जिस तरह से दिखाया गया, जैसे कि वहाँ पर लोग छोटे छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं और जब वहाँ पर कश्मीरी पंडित को रातों रात भगा दिया जाता है तो जम्मू में किस तरह से सर्वाइव करते हैं, यहाँ पर उस एंगल को लेना, बड़े प्यार से उन्होंने इस एंगल को लिया है। यहाँ पर डायरेक्शन अच्छा था लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। यहाँ अगर हम बात करें स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले ठीक ठाक था और यहाँ पर डायलॉग्स कुछ खास नहीं थे। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक ठीक ठाक था, ओके से था। यहाँ पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आदिल और सादिया दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। दोनों जो लव ब्रीड के तरीके नज़र आ रहे थे, दोनों के इमोशंस झलक कर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन की थी शिकारा से, कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित का जो दर्द है, जिस तरह से वो रातों रात आए थे, उनका दर्द हम लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पर जो वॉर होता है कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, इसके लिए वो कैसे लड़ते हैं, कैसे इस सिचुएशन को फेस करते हैं, ये सब इस फिल्म में दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो सबको नेग्लेक्ट करके ये लव एंगल डाल दिया। चलो भाई, लव एंगल भी डाल दिया। अब लव एंगल भी तो उस तरीके से दिखाओ जहाँ हम अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। ऑब्वियसली जब हम कोई भी लव स्टोरी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते, चाहे वो 90s में कनेक्ट करते, चाहे आज के टाइम में कनेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम लव स्टोरी को अपने आप से कनेक्ट करते हैं। तो वो इमोशंस झलक कर बाहर आ ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर इसीलिए डायरेक्शन में कमी है, कि डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हम एक्टर और एक्ट्रेस से वो इमोशंस निकाल पाए, डायरेक्शन का मतलब ही यही है। और यहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ना तो हमें कश्मीरी पंडित का दर्द देखने को मिलता है और ना ही यहाँ पर हमें लव एंगल वाला वो इमोशन देखने को मिलता है। वेल, यहाँ पर ऑल ओवर थिंग्स जो है ठीक ठीक सा था, इतनी फिल्म कुछ खास नहीं थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और निकला कुछ और। वो फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए जाते हैं। आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस फिल्म को देखने का मन बना रहे तो क्यों मन बना रहे हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिव्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए।